Guys, this is how badly I failed at. इसको कुछ आता था। नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। I'm Gopali and I'm vlogging today because I just love vlogging. तो मैं आज finally एक 24 hours food challenge लेके आ गई। मुझे पता है आप लोगों को food challenges देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। Even मुझे उन्हें करने में भी okay। Even मुझे उन्हें वो करने में भी मज़ा आती है। पर क्या है ना ये double chin triple होता जा रहा है और डोले शोले थोड़े बढ़ गए हैं तो हमें एक बैलेंस रखना पड़ता है। पर आज की जो वीडियो है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ अनट्राइड रेसिपीज ट्राई करने वाले हैं फॉर लेजिट 24 आवर्स। क्योंकि मैं देख रही थी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज हैं जो मैंने कभी भी नहीं बनाई है। लाइक हम ना इसके लिए सीरीज बना सकते हैं ट्राइंग अनट्राइड रेसिपीज एंड ट्राइंग सम एक्सपेरिमेंटल कुकिंग। तो अभी सुबह हो चुकी है, वैसे मुझे चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है। मैंने सोचा था मैं लेमन टी बना लूंगी पर लेमन ही नहीं है घर पे। और हाँ, ये टी शर्ट आपने मेरे ऑलमोस्ट हर ब्लॉग में देखी होगी, क्योंकि होता है ना एक वो नाइट सूट होता है जो बिल्कुल पुरानी सी टी शर्ट होती है, एकदम सॉफ्ट होती है और वो बहुत ज़्यादा हमें पसंद होती है। सो वही हाल है। तो अभी पहले हम बना लेते हैं ब्रेकफास्ट, तब तक सब्जी वाले भैया आएंगे तो हम नींबू खरीद लेंगे। और अगर आपको आजू बाजू बच्चों की खेलने की आवाजें आ रही हैं तो इसीलिए आ रही है क्योंकि वो खेल रहे हैं। इट्स लाइक आज छुट्टी है तो सारे हैं। मैं लेके आई हूँ एवोकाडो, आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया। और मैंने इसे कभी भी यूज नहीं किया है, मैंने कभी भी इसे बनाया नहीं इसे कुछ। आई गेस ये ढंग से वैसा वाला है। तो अभी हम बनाने वाले हैं एवोकाडो टोस्ट। मैंने बहुत सारे लोगों को खाते हुए भी देखा है, मैंने बाहर भी कभी ट्राई नहीं किया और मैंने बनाया तो ऑफकोर्स कभी नहीं है। सो लेट्स गो, लेट्स मेक एवोकाडो टोस्ट फॉर आवर ब्रेकफास्ट। अंकल ने अपना अलग ही डीजे लगा रखा है। गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप में से किसी ने ये जो रेसिपीज मैं बना रही हूँ आज ये ट्राई की है या नहीं। Two thousand years later. मैंने अभी भी जस्ट अनियन चॉप किए हैं एंड आई कैन लिटरली क्राई ऑन दिस लाइक ओके। तो मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आई हूँ, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है, नहीं मैंने फ़ोन नहीं किया है, कि आप जो भी एवोकाडो लेने जाओ ना तो देखना कि वो अच्छी तरीके से राइप्ड, अच्छी तरीके से पका हुआ है, क्योंकि ना उसको मैश करने में प्रॉब्लम होगी। जैसे जो मैं लेके आई थी ना वो आधा तो आधा अच्छे से राइप था, बाकी जो हिस्सा था वो नहीं था, तो उसको मैश करने में प्रॉब्लम हो रही थी। पर हाँ, मैंने यहाँ पे इसे मैश कर लिया है, अनियंस चॉप कर लिया। आई एम जस्ट गोना चॉप सम टोमेटोज एंड गार्लिक और फिर हम बनाते हैं। आई एम जस्ट गोना ऐड सम चिली फ्लेक्स, आई एम ऑल्सो एडिंग सम ओरिगैनो। फिर मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ थोड़े से रॉ ऑनियंस ताकि ना एक क्रंच ऐड हो जाएगा और थोड़े से टोमेटो। इतना सुंदर लग रहा है, ये इतने अच्छे अच्छे कलर्स लग रहे हैं। तो इसको हमें टोस्ट करना है, हम इसे सैंडविच की तरह भी टोस्ट कर सकते हैं, मैं इसे ऐसे टोस्ट करने जा रही हूँ। आप चाहो तो आप इसे सिर्फ सिंगल भी टोस्ट कर सकते हो। आई एम जस्ट गोना ओके गाइस। तो मुझे लगा मेरा ट्राइपॉड इससे टेढ़ा हो गया, तो मैंने ये टोस्ट की जगह वैसे ऐसा लग रहा है सैंडविच बना लिया है। उन्होंने जो बनाया था ना उन्होंने भी ऐसे बनाया था पर उन्होंने वो ग्रिल वाले में रख के बनाया था, तो इसलिए तो मैं इसे बस टेस्ट करके देखती हूँ। ओह हाउ गुड, ओके एवोकाडो का ऐसे जैसा कुछ टेस्ट आ नहीं रहा है खास, मतलब स्मेल ही थी स्ट्रॉन्ग तो मुझे लगा टेस्ट होगा कुछ। आई वाज स्कैर्ड कि मुझे थोड़ा वियर्ड सा तो नहीं लग रहा, बट इसका सच कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा है। इट्स लाइक नथिंग, अनियंस, मिक्स्ड हर्ब्स, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स,
इनका ही टेस्ट आ रहा है पर हाँ लग अच्छा रहा है ब्रेकफास्ट आज काफी लेट हो गया है और मेरी मम्मी किचन में अब चाय बना रही है तो वो जो चाय के खोलने की स्मेल आ रही है ना माय गॉड इट्स लाइक ऐसे रूह को टच कर जाती है वैसी स्मेल है बट कोई बात नहीं हम अभी भी हमारे नींबू का वेट कर रहे हैं आज हमारा लेमन ही हो रहा है हेलो 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 गाइस सो आई एम डन विथ माई ब्रेकफास्ट अभी भी यहाँ पे एक ट्रायंगल रखा हुआ है तुम पर अभी मेरा मन नहीं कर रहा है मुझे चाय पीने का मन कर रहा है तो मैं इसे एक बार साइड में रख देती हूँ मैं इसे बाद में खा लूँगी अभी चलते हैं बनाते हैं चैया हेलो 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 ओके ओके आई लुक सो वियर फिर जब मैं एडिट कर रही थी ना तब मुझे रियलाइज हो रहा है मैंने एक बार इधर जा रहा होता है एक बार उधर जा रहा होता है एंड देन आई लाइक क्या कर रखा है मैंने बट एनीवेज एक मिनट ओह शिट ये सब गीला हो गया ओह बहुत ही बड़ी स्लीव है फैशन के चक्कर में काम गड़बड़ा जाएगा सो गाइज व्हाट आई वाज टेलिंग यू यस इट इज 12:45 करंटली एंड अभी मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगनी शुरू हो गई है सो या वेलकम टू कुक विद गोपाली आज हम बनाने वाले हैं थाई करी समिया मलेशियस थाई करी विद वाइट राइस तो मैंने थाई करी बाहर रेस्टोरेंट कैफेज में तो ट्राई की है मुझे काफी अच्छी लगती है रेड वाली थाई करी ग्रीन भी एक आती है मुझे पता नहीं था अभी पता चला तो हमें बनानी है रेड वाली थाई करी जिसके लिए मैं ये वाला थाई करी का पेस्ट लेके आ गई हूँ मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे रेसिपीज देखी थी सब लोगों ने थाई करी के लिए पेस्ट ही यूज़ किया था ये बनाने का कहीं पे तरीका नहीं दिया था आपको ये अमेजोन पे भी मिल जाएगा मैं सबसे छोटा वाला डब्बा जो था वो लेके आई हूँ तो हमें इसके लिए अच्छा ये ओह माय गॉड दिस स्मेल्स सो फ्लेवरफुल लाइक सब पॉलीथिन के बाहर ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है इसकी काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग मसालों के फ्लेवर आ रहे हैं एंड दिस इज लाइक ऐसा लग रहा है किसी ने ईंट को पीस के डाल दिया इसके अंदर है ना ओके दैट वाज अ वेरी वियर्ड क्या बताया मैंने वियर्ड तरीका कुछ चीज़ को बताने का सो यार पहले हमें बहुत सारी वेजिटेबल्स चॉप करनी है इसके लिए हमें कोकोनट मिल्क भी चाहिए तो मैं वो भी लेके आ गई हूँ और तो हमें कुछ खास चाहिए नहीं था तो हमारे पास यहाँ पे मशरूम्स है मैंने मशरूम्स कभी भी पहले नहीं बनाए हैं दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं मशरूम बनाने जा रही हूँ हमारे घर में जनरली मशरूम नहीं बनता है पर दिस इज़ वेरी वियर्ड लेकिन बहुत You know, ये जो part है, that is so soft and that's like very weird. तो I have no clue इसे कैसे chop करते हैं. I guess हमें इसके लिए YouTube का ही सहारा लेना पड़ेगा. Oh my God, this smells weird. Oh shit. यार मेरे को पता नहीं था ये. Oh my God, अगर मैंने इसे और एक दो बार smell किया, I don't think मैं इसे खा पाऊंगी. मैंने मशरूम हमेशा बाहर ही खाया है. हाय ऊपर से ये बंदा जो मशरूम काट रहा है तो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्मेल क्या ब्यूटीफुल स्मेल सॉरी टू ऑल द मशरूम लवर्स इवन मुझे भी टेस्ट में कोई गड़बड़ नहीं लगती है बस वो दिखने में थोड़ी मुझे अजीब लगी ऑप्टिक टच में हेलो गाइस ओके वन मोर अपडेट कि हमें इसमें पनीर या टोफू भी कुछ ऐड करना होता है इन दोनों में से कोई एक चीज़ पर हमारे पास ना ही पनीर है ना ही टोफू है तो हम उसके बिना काम करने वाले हैं अगर आपके पास हो तो आप ऑफ कोर्स ऐड कर सकते हो तो बस यही बताना था बाकी वापस मुड़ जाओ क्योंकि अब हम सब्जी बनाएंगे ना आई एम नॉट योर पेशेंट इसीलिए फिर मैं गरम गरम शक लेती हूँ
माय गॉड बिलीव मी ये बहुत टेस्टी लग रही है. थोड़ी थिक ज़्यादा है कि सभी हमें पानी ऐड करना पड़ेगा. इवन जिनकी रेसिपी मैं फॉलो कर रही हूँ उन्होंने भी पानी ऐड किया था. Guys, the smell is so good. काश मैं आप लोगों को इसकी स्मेल करवा पाती. लाइक मुझे पक्का पता है आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करते. मेन ना इसमें ये इस चीज़ ने काफ़ी इम्पोर्टेंस प्ले किया है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं जो हमें नहीं मिलते मार्केट में. ये आपको अमेजोन पे 200 रुपीज़ या ऐसे किसी की मिल सकती है. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको. इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, जस्ट कि अगर आप लोगों को ट्राई करना हो तो आप कर सकते हो. गाइज आर लंच इज हियर. यहाँ है हमारे पास वाइट राइस और ये इतने बड़े से कप में मैं लेके आई हूँ थाई करी. मैंने वेजिटेबल्स ज़्यादा ऐड कर दिए थे. दिस इज माइंड ब्लोइंग. गाइज दिस इज सो टेस्टी. कोकोनट मिल्क की वजह से क्रीम का फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड लाइक काफ़ी क्रीमी और ऐसे वेलवेटी टाइप के हैं. बट आई एम फुल. इट्स लाइक अभी भी हमारे पास आधे से थोड़े कम राइस रखे हुए हैं. बट आई एम फुल. पर आई फिनिश इट लाइक आधे घंटे का ब्रेक लेके आई फिनिश इट एंड देन आई एम ऑल्सो सपोज टू गो आउट. इसको कुछ आता था. गाइज हमें पापा की हेल्प लगी है ये डिसाइड करने में कि 100 ग्राम कितना होगा. पापा ने बोला 1.5 कप डाल लो हो जाएगा. और मैं आपको और बता रही थी कि हाँ मैं ना कुकिंग तो ठीक ठाक कर लेती हूँ. लाइक जब मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ ठीक ठाक बन जाता है सब. पर बेकिंग में ना मैं पूरा मेस कर देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बेकिंग में हमें थोड़े बहुत मैथ्स की जरूरत पड़ती है. वो टेम्परेचर सेट करना, ऊपर से आई एम नॉट एट ऑल एक्सपर्ट. मैं बेकिंग के मामले में तो डम ही हूँ. तो ये हमारा माइक्रोवेव भी थोड़ा अजीब सा है शायद, तो हमें थोड़ा समझने में दिक्कत आएगा. और वो भी मैं 2 रेसिपीज मिक्स करके अपनी एक नई रेसिपी बना रही हूँ कुकिंग के लिए. पर माइक्रोवेव की कोई गलती नहीं है. ओके हाँ सर, आपका माइक्रोवेव बिल्कुल सही है, आपकी बेटी में डिफेक्ट है. गाइस तो मेरा जो ये माइक्रोवेव है ना इसमें पहले मैं एक कुकी ट्राई करने वाली हूँ क्योंकि इसमें ना वो टेम्परेचर वाला सिस्टम नहीं दिया हुआ है. आई हैव नो क्लू हाउ दिस वर्क्स. पर इसमें ना इसे स्पेसिफाई किया कि अच्छा आपको कुकी बनानी है, रीहीट करना है, राइस बनाना है. लाइक यहाँ पे पता नहीं थोड़ा ये डिफरेंट है पर हाँ वैसे स्पेसिफाई किया हुआ है. तो मैं इसको देखती हूँ कि किस वाले पे कुकी मेरी ढंग की बन पाती. तो एक हम पहले छोटी सी एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखते हैं. आई जस्ट होप अच्छी बन जाए बिकॉज आई ऑनेस्टली एंजॉय हैविंग कुकीज और बड़ा अच्छा लगता है यार. चलो ठीक है, मैं फालतू वैसे कुकीज के नाम पे ब्लश कर रही हूँ पर ठीक है, अब हम कुकीज बना लेते हैं. गाइज दिस इज हाउ बैडली आई फेल्ड एट इट. ओके बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है. ओके तो प्रॉब्लम क्या हो गई थी इस बार, मैंने ना पता नहीं मुझे ना माइक्रोवेव में से अजीब सी आवाज़ आ रही थी ऐसे टटर टटर होने की. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हो गया है. सो यार वेरी वेरी बैडली फील्ड इट. बहुत गंदी तरीके से धुआं निकल रहा है. बट हम हार नहीं मानेंगे, हम दूसरा बनाएंगे. पूरे घर में जलने की स्मेल आ रखी है. ओके गाइस तो मैंने ना कैमरा या तो मैंने ना मेरी दूसरी कुकी बेक होने के लिए रखी हुई थी. बट देयर समथिंग वेरी रॉन्ग विद दिस माइक्रोवेव. इसके अंदर से ना चिंगारी निकल रही है एंड आई एम सो स्कैर्ड कि ये कहीं ऐसे फट फूट ना जाए. पहली बार ये माइक्रोवेव से कीड़े कर रहा है. आई हैव नो क्लू मैं क्या करूँ. कुकर में भी बनता है बट इट्स लाइक अ लॉट ऑफ मेहनत टू डू. मैं एक और बार माइक्रोवेव में ट्राई करती हूँ. मुझे बस डर इस चीज़ का लग रहा है कि उसमें से ना ऐसे बम 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 आवाज़ आ रही है तो भमाड ना हो जाए पूरा. ओके गाइस सो मिजरेबली फेल्ड एट बेकिंग दिस कुकीज. यहाँ पे 3-4 हैं, कुछ ढंग से पक गई हैं, कुछ कोने जल गए हैं, कुछ कोने कच्चे रह गए हैं. डो अभी भी हमारे पास रखा हुआ है.
मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ कि मेरे माइक्रोवेव से वीडियो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे कि किस तरीके से मैं उस पर टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकती हूँ, बट आई डोंट थिंक वो हो रहा है. तो मैं ये आधी कच्ची पकी जली कुकी खाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि टेस्टी काफ़ी लग रहे हैं. मैंने कौन सा इसको शोकेस में रखना है ना, मस्त क्रंची स्वीट चॉकलेटी थोड़ी थोड़ी. So I'm just gonna sit here, enjoy this, and also edit a video. So yeah, let's go, let's do that. A few inches later. Now I'm just going to watch a movie, Shubh Mangal Zyada Savdhan. क्योंकि मेरा बहुत टाइम से वो मूवी देखने का मन था, बहुत टाइम से मतलब आज ही आई है, पर जब ट्रेलर आया था तब मैंने सोचा था मैं देखने जाऊंगी. सो यह मूवी देख के आते हैं, फिर हम बात करते हैं. मैंने मेरी आधी वीडियो एडिट भी कर ली है गोपाली 2 के लिए, तो अगर आपने मेरे वो वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर देना, एक फूडी रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है. सो या हम ही हमारी और आधी कच्ची पकी कुकी खा के फिर बेक विद गोपाली को सक्सेसफुल बनाते हैं. लेट्स गो. व्हाट अ मूवी. अगर आप लोग फ्री हो तो जाओ मूवी देखो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. फैमिली के साथ जाना, इट्स फुल ऑन एंटरटेनमेंट. आयुष्मान खुराना की एक्टिंग, नीना गुप्ता और गजराज राव सर, इट्स लाइक फैंटास्टिक. तो मैं मूवी देख के मेरी फैमिली को घर पे छोड़ के वापस आ गई हूँ जिम, क्योंकि आई एम ट्राइंग नॉट टू मिस जिम. तो अभी बस मैं जाती हूँ, ऊपर चेंज वगैरह करती हूँ, जिम करती हूँ और फिर आपसे आके मिलती हूँ. एंड आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड. गाइस आई एम बैक होम एंड आई एम स्टार्विंग. मुझे बहुत 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 जोर से भूख लग रही है. तो हमने ये मैं ये ऑर्गेनिक इंडिया का किनुआ लेके आई थी, यहाँ मुझे लोकल स्टोर पे मिल गया था. मैं पहली बार किनुआ बनाने मैं पहली बार ये बनाने जा रही हूँ. तो हेलो, क्या मेरा मैं आऊँ. ओके, तो मैंने सोचा था मैं इसे कुकर में ट्रांसफर कर दूंगी. अगर आप कुकर में बनाते हो तो जल्दी बन जाएगा ऑफकोर्स, पर अब हम इसे इसी में रहने देते हैं, पूरा ट्रांसफर करने का झमेला नहीं झेलना. अभी मैं वेजिटेबल्स चॉप कर लेती हूँ. इसे हमें कढ़ाई में 20 से 22 मिनट्स तक पकने देना होगा. एंड यहाँ हम बना लेते हैं, सब्जी काट लेते हैं. मैं पागल हो चुकी हूँ भूख की वजह से. तो हमारा जो ये किनुआ है ये काफ़ी टाइम से रात को भी अंकल को हॉर्न बजाया है, काफ़ी टाइम से ये पक रहा है. आई गेस ऑलमोस्ट 25 मिनट्स हो गए हैं, पर ये अभी भी ढंग से नहीं पका हुआ है. वेट आई विल शो यू. अभी भी इसमें मुझे लगता है और 10 मिनट जितने लगेंगे. और मैंने इसे लाइक बहुत थोड़ा सा किनुआ लिया था, पर वो फूल के काफ़ी ज़्यादा हो गया है. तो मेक श्योर जब भी आप किनुआ बना रहे हो तो लाइक वो इसे अच्छे से वो होता है. सी ओके गाइस, सो हमारी जो यहाँ पे किनुआ खिचड़ी है वो रेडी हो चुकी है. इट्स समथिंग डिफरेंट. मैंने कभी पहले इस टेक्सचर का कुछ नहीं खाया. मुझे हल्का बहुत ही दलिया जैसा लग रहा है. जस्ट टेस्ट लाइक बेसिक खिचड़ी, बस थोड़ा सा टेक्सचर अलग है, हल्का सा टेस्ट अलग है. एज सच टेस्ट में कुछ डिफरेंस नहीं है. सो आई एम जस्ट गोना गो सिट एंड एंजॉय दिस. आई जस्ट वांट टू टेल यू, अगर आप ये खिचड़ी बनाते हो तो प्लीज़ इसके ऊपर धनिया डाल के खाना, क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड कर रही है धनिया इसमें. मैंने पूरी किनुआ खिचड़ी खत्म कर दी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यमी लगी मुझे. आप ज़रूर ये रेसिपी और थाई करी वाली रेसिपी, ये दो रेसिपी ज़रूर ट्राई करना. और अगर आपको कुछ एडवेंचरस करना हो तो मेरी कुकीज़ की रेसिपी भी आप ट्राई कर सकते हो. और मैं आप लोगों को कुछ बोलने वाली थी. आई वॉन्ट टू हैव चाय, क्योंकि आज सुबह से मैंने चाय नहीं पी है. सो आई एम मिसिंग चाय, पर कोई बात नहीं, हम कल सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पियेंगे, जो हर बार हम चैलेंज के साथ करते हैं. सो
So I'm just gonna go and sleep. Very very good morning. So finally it's the next day और हमारा challenge finish हो चुका है. मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आई challenge करने में. And guys believe me अभी भी बहुत सारी ऐसी recipes बाकी हैं जो मैंने कभी try नहीं की हैं. तो मुझे बताना अगर आपको और इस type का challenge देखना हो तो तब तक इस video को like कर देना, share करना, मेरे channel को subscribe करना, मुझे Instagram पे follow कर लेना. I'm gonna meet you in my next one. तब तक bye bye. Bye and thank you so much for all your love and support. I'm always grateful to you guys. Ta-ta!